मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना के सेक्टर में, कालखंड में हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है और इसलिए आत्मनिर्भर की सबसे बड़ी सीख हमें हेल्थ सेक्टर ने इस संकट के काल में सिखा दी है और उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए हमें आगे भी बढ़ना है। अब देखिए, कोरोना के समय उसके पूर्व हमारे देश में सिर्फ एक लैब थी टेस्टिंग के लिए। आज 1400 लैब्स का नेटवर्क है, हिंदुस्तान के हर कोने में फैला हुआ है। जब कोरोना का संकट आया तो एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे। इतने कम समय में हमारे लोगों ने वो शक्ति दिखा दी है कि आज हर दिन 7 लाख से ज्यादा टेस्ट हम कर पाए। कहां 300 से शुरू किया था और कहां हम 7 लाख तक पहुंच गए। देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयास ये हम कर रहे हैं। 5 साल में MBBS MD में 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीटों की बढ़ोतरी की गई है। गांव में 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर और उसमें से करीब 1/3 तो ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, जिन्होंने इस कोरोना में बहुत बड़ी मदद की है। कोरोना के काल में वेलनेस सेंटर्स की भूमिका ने गांव की बहुत बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा, ये व्यवस्था उसे होने वाली है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी। ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूँगा, देश के हमारे वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है।